नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में गरीबों के 480 आशियानों पर एरिए का बुलडोजर चलाने के आदेश के बाद परिवारों में हड़कंप मच गया। गरीब के आशियानों पर बुलडोजर चलाने की जानकारी पर सांसद राजकुमार चौहान भी फर गए हैं। सैकड़ों लोगों के साथ भाजपा सांसद राजकुमार चौहान आगरा विकास प्राधिकरण पहुंचे। सांसद ने गरीबों के आशियाने न टूटने देने का आश्वासन दिया। एडीए वीसीए और कमिश्नर के साथ सांसद की वार्ता सफल रही है। अब किसी गरीब का आशियाना नहीं टूटेगा। देहतौरा के लोगों ने आश्वासन मिलने के बाद राहत की सांस ली। आगरा में 6 वर्षीय बालक की जल संस्थान के गड्ढे में गिरकर मौत हो गई है। तोता का ताल पर जल संस्थान का गड्ढा है, जिसमें गिरकर 6 साल के मासूम जिशान की मौत हो गई है। जिशान बिलोचपुरी निवासी रायजुद्दीन का बेटा है। बताया गया है कि जिशान सोमवार की सुबह अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला था। हादसा होने के बाद दोस्तों ने घर आकर जानकारी दी, तब परिवार के लोग वहां पहुंचे। गड्ढे से जान को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। क्षेत्र लोगों का कहना है कि पाइपलाइन में लीकेज ठीक करने के लिए जल संस्थान के कर्मचारियों ने गड्ढा खोदा था, इसके बाद उसे ठीक नहीं कराया गया। इसी के चलते हादसे में बच्चे की जान चली गई। बिजनौर में 2 दिन पहले नाली में मिले युवक के शव का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। युवक की हत्या प्रेमिका के भाई ने ही की थी। पुलिस ने प्रेमी की हत्या के आरोपी प्रेमिका के भाई को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। रिवाइट से कानपुर जा रही HPCL तेल कंपनी की भूमिगत पाइपलाइन में कैमलिप लगाकर तेल चोरी करने वाले गिरोह के साथ शातिर चोरों को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से मिनी विद्युत ट्रांसफार्मर, एक वेल्डिंग मशीन, 3 बंडल कैबिन ट्रांसफार्मर, 2 बंडल वेल्डिंग रॉड, 1 सबल, 1 फावड़ा, ओमनी वैन बरामद की है। गिरफ्तार चोर औरैया मैनपुरी कन्नौज इटावा के निवासी बताए जा रहे हैं। कन्नौज में किसानों की आलू की जमकर लूट हो रही है। दरअसल कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मनमाही से अन्नदाता लूट रहा है। आलू भंडारण का किसान लगातार मनमाना किराया यहां पर वसूला जा रहा है। किसानों से 115 की तय कीमत के बजाय 145 रुपये प्रति बोरी वसूले जा रहे हैं। आक्रोशित किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और इस किराए को कम करने के लिए DM को एक ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का ऐलान है कि अगर किराया कम नहीं किया गया तो यहां पर वो विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं। मुसलमानों को एकजुट करने और देश की खोई हुई गंगा जमनी तहजीब को फिर से बहाल करने की कोशिश कन्नौज के एक इरादे ने शुरू की है। इसके लिए इदारे ने एक फाउंडेशन के जरिए देश भर के उलेमाओं को एकजुट कर उनके जरिए आवाम को पैगाम देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इतना ही नहीं, इस दीनी मदरसे ने विदेश विद्वानों को भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी है। 8 जून से 10 जून तक चलने वाली इस आलमी जलसे में हजारों की भीड़ जुटती है। कॉन्फ्रेंस हमारी जो की जा रही है, ये 10वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस मदरसा अलजामत अलहमदिया कन्नौज की है और इसका मकसद जो है वो मदरसे के जो प्रोग्राम होते हैं उनको तफसील को बताना है पब्लिक तक, ताकि पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान और बाहर से सभी जगह से जो है उलमा मशाइख शरीक होते हैं, अवाम शरीक होते हैं। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हिंदुस्तान के तकरीबन सारे सूबों से, UP से, MP से, राजस्थान से और दिल्ली से बड़े बड़े उलमा मशाइख तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़ारों की भीड़ होती है। हमारे पीर व मुर्शिद ज़ुबैर इरफान मुफ्ती आफाक का इसमें उर्स भी है और मदरसे का जलसा भी है। इसमें दस्तारबंदी होगी, तकरीबन 65-67 लड़के लड़कियों को दस्तार भी दी जाएगी आलिम हाफिज़ कारी की। ये हमारे यहाँ तालीम जो दी जाती है और एक मकसद हमारा इसका यह है कि हम अपने पूरे मुल्क के बाशिंदों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए तालीम और मोहब्बत की ज़रूरत है। श्रावस्ती में युवक पर ससुराल में जानलेवा हमला हुआ है। घात लगाए बैठे बदमाशों ने बंदूक से हमला कर दिया। पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। रात करीब 2 बजे लघुरांश के लिए जाते समय हमला हुआ है। आनंद फानन में CSC में उसे भर्ती कराया गया, जिसके बाद प्राथमिक चिकित्सा के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। 2 लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। सिरसिया थाना क्षेत्र के देवराहा गाँव का पूरा मामला।
हरदोई में आधा दर्जन घरों में भीषण आग लग गई। आग लगने से घरों में रखी लाखों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। अज्ञात कारण बताए जा रहे हैं। आग लगने के ग्रामीणों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के डींगासर गांव का एक पूरा मामला। रुड़की में सोनाली पार्क स्थित नहाते समय 5 युवक डूब गए, जिसमें से जल पुलिस के गोताखोरों ने 3 युवकों को सकुशल बचा लिया। साथ ही एक युवक का शव भी बरामद कर लिया है। वहीं की तलाश जारी है। घटना को लेकर मौके पर अफरातफरी का माहौल मच गया। वहीं जल पुलिस के गोताखोर लापता युवक की तलाश कर रहे हैं। वाले हैं भगवान के क्षेत्र के थाना, और 5 बच्चे थे। ये नहाने के लिए आए थे, घूमने फिरने के लिए, पिकनिक मनाने के सिलसिले में आए थे, और वो गंग नहर में, पुरानी गंग नहर क्षेत्र है, उसमें नहाने लगे। तो ये बहने की सूचना मिली तो हमारी जल पुलिस की चौकी है, जल पुलिस वालों ने 3 बच्चों को बचा लिया था। एक की डेड बॉडी रिकवर हुई है और एक की सर्चिंग की जा रही है। देखिए, पुलिस के स्तर से कार्रवाई की जा रही है सभी बच्चों पर, और मैं लोगों को समझाता भी हूँ, जो बच्चों के गार्जियन हैं उनको भी, कि जो सुरक्षित घाट नहीं है वहाँ नहाने का कोशिश ना करें। और अक्सर लोग, आपने देखा गर्मी बढ़ रही है तो लोग नहर को किनारे बैठ रहे हैं, तो मेरा सभी से ये निवेदन है, सभी से आग्रह है कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं, इस तरह से ना छोड़ें, क्योंकि ये घाट सुरक्षित नहीं है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की महानगर इकाई के तत्वाधान में साइबर क्राइम पर वैचारिक गोष्ठी का आयोजन व्यापार भवन व्यापार मंडल कार्यकाल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ASP प्रीति यादव, IPS एडिशनल कमिश्नर GST ग्रेड 1 AP सिंह और GST कमिश्नर ग्रेड 2 रामबाबू, अशोक सोलंकी कोतवाली नगर प्रभारी, उमेश रोरिया प्रभारी साइबर सेल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। व्यापार मंडल के साथ जो है वहाँ पर एक साइबर अवेयरनेस का कैंप रखा गया था, जिसमें सभी व्यापारी जो प्रतिनिधि हैं वो आए हैं, और उनको जो साइबर क्राइम हमारा परिक्षेत्रीय थाना है उसकी टीम के द्वारा तथा मेरे द्वारा और GST हमारे कार्यालय से जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने सभी व्यापारी प्रतिनिधियों को GST से संबंधित और दूसरे जो साइबर क्राइम फ्रॉड्स हैं उनसे रिलेटेड अवेयर किया है, तथा उन्हें ये जागरूक किया है कि वह भी आगे इस सभी मैसेजेस को आगे भी अपने जो वर्कर्स हैं और जो घर परिवार में लोग हैं उन तक आगे ट्रांसफर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग साइबर अवेयर हो सकें। राजस्व विभाग की भूमि में लगाए गए फड़की सीमा में पक्का निर्माण तोड़ने गए अधिकारियों के सामने बेखौफ व्यापारी ने दुकान में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। उसके इस हरकत से बाजार में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। आसपास के दुकानदारों ने आरोपी को दुकान में आग लगाने से रोक लिया। अगर दुकान में आग लग जाती तो व्यापारी के साथ ही बाजार में काफी जनहानि हो सकती थी। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडन ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना के विकास कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी एक बार फिर से अधिकारियों से नाराज दिखे। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। फतेहपुर जिले में मिट्टी की खुदाई करते समय अचानक मिट्टी का टीला रह गया, जिसमें खुदाई कर रही महिला सहित 3 लोग दब गए। जैसे इस बात की जानकारी ग्रामीणों को हुई, वैसे ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद मिट्टी में दबे 3 लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन जब तक महिला और 12 वर्षीय बच्चे की मौके पर मौत हो चुकी थी। वहीं युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अलीगढ़ में पूजा शकुन पांडे द्वारा दिए गए विवादित बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। थाना गांधी पार्क में पूजा शकुन पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूजा शकुन पांडे ने कल अपने आवास पर विवादित बयान दिया था। पूजा शकुन पांडे द्वारा कल खून से एक पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि जुम्मे की नमाज पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ।